तीनू का पिटबुल। और आज मैं भाई तीनू के यहाँ पे गांव ककड़ीपुर जिला बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक फेमस चेहरा हो चुका है ट्रैक्टर के सेल परचेज में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय करा दूं भाई तीनू का। और भाई तीनू ठीक भाई? राम राम भाई। राम राम भाई। और घर परिवार सब? हाँ सब घर परिवार सब बढ़िया ठीक ठाक है। आज केवल तीन ही है? तीन ही है भाई। महिंद्रा 200 तीन चार ट्रैक्टर रखे हैं और के घड़े तो रखते नहीं। हाँ, और मॉडल भी मुझे लगा 17 से स्टार्टिंग होगा। हाँ, आज है एक ट्रैक्टर नीचा मॉडल है। अच्छा, और नहीं तो 18, 19, 20, 21, 22। चलो खैर, तीनों ही ट्रैक्टर बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन। और वे हमारे ताऊ जी है। राम ताऊ जी ठीक ठाक हो? बेहतरीन भाई। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। ताऊ जी का व्यवहार नंबर एक का है। चलो खैर, 265 DI पावर प्लस और पावर स्टीयरिंग अगले टायर पर मरगाड़। तो कौन सा मॉडल? 2021 मॉडल है भाई। क्या घंटे चलेगा? यू घंटे चला 450। साढ़े चार सौ। सात के टायर है इसमें 90%। सात के टायर 90 से 95% के लगभग। मोटे पाइप वाली छतरी है तो इसमें ड्रॉल प्रोल है कुछ? इसमें टोपलिंग मिलेगी। केवल टोपलिंग मिलेगी, एडजस्टेबल हिच। और भाई स्टील का पाइप। घंटे कितने बताया? घंटे 450। 450 तो मारो सेल्फ। भूमि पुत्रा पावर प्लस, पावर स्टीयरिंग, साइलेंट मॉडल, महिंद्रा 265 DI। फुली ओरिजिनल कंडीशन के साथ इसका जायज से रेट बताओ। जो किसान आवेर अपना ले जा चुपचाप। दो डाल के रेट है वही, एक फिक्स भी है। अच्छा। और एक मांगने के भी है। आकर ऐसा ना करे ना वो बताओ जो मतलब उसमें तुम थोड़ा बहुत नहीं कम करते भी। एक बात बता नहीं जाऊं। एक तो भाई पूछ का है लाल पट्टी वाला ट्रैक्टर, पावर प्लस पावर स्टीयरिंग। अच्छा। एक्सपी प्लस ना पूछ का मैं। एक्सपी प्लस। हाँ रेट इसके पूछ का मैं पावर प्लस के। हाँ कोई क्या लगा 4 लाख का नवा आवा, 4.5 लाख का नवा आवा, ले ले बनते ही ज्यादा मिलता हो। जहाँ से मंदा मिलता वहाँ से ले लो। वहाँ से ले लो। लेकिन तीनों का यहाँ पे जो रेट है वो है ठीक। कमेंट बाजी बिल्कुल ना करे, फोन करके बहस करे। दो तीन आदमी है कल हम दुआ देंगे। देखिए हमारा दलाली का काम नहीं है, हमारा काम है अपना ट्रैक्टर बेचने का। मारे ट्रैक्टर पर रंग पेंट बताते है कोई, मारे ट्रैक्टर के कागज खराब बताते है, चोरी का बताते है, हम देंगे एनओसी लायक है। नंबर एक की बात है। जिस ट्रैक्टर की एनओसी मालिक देगा उसकी मालिक देगा, जिसका खर्चा मालिक के जुम्मे जुड़ेगा उसका मालिक के जुम्मे जुड़ेगा, जिस ट्रैक्टर का पार्टी देगी उसका पार्टी देगी, हम बता देंगे कम से कम रेट बताएंगे। तो पैसे बताओ इसके? इसके पैसे है भाई 4,35,000 रुपए फिक्स रेट है, 4.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा 4.5 लाख रुपए मांग रहे हो? हाँ, लेकिन 90% आ रहे हैं। 35 में तो देना देना ही देना है, इससे एक रुपए की घाट होने नहीं देने का। नहीं वो शर्म लिया आ जाए, वो आपके हिसाब से होगा कोई, वो बिल्कुल शर्म लिया आज करें। चलो खैर, ट्रैक्टर तीनों ही जेन्युइन मिलेंगे, बाकी अपना तुम चला के ले जाइए खूब चला फिरा के देखभाल करके। आयशर 241 यू ट्रैक्टर है भाई, 2021 मॉडल। 2021 90% आ रहा है, 450 घंटे चल रहा। हम नहीं कहते 100 चल रहा, जो ना 100 चला गया वो 100 चला गया है। 450 घंटे ट्रैक्टर चला है मात्र। और कंडीशन देखिए आप, धूल भी नहीं ट्रैक्टर पे कहीं। और नई छतरी के साथ दोनों मरगाड़ों पे लेमिनेशन है ब्लैक। तो इस पे ड्रोवाल कुछ है नहीं? इसमें भी टोपलिंग है भाई। अच्छा टोपलिंग मिलेगी, एडजस्टेबल इसे। तो मारो सेल्फ आयशा 241 का दम। भाई वाह बेहतरीन। बिल्कुल स्लो मांग कितनी है इसकी? इसकी मांग है जी 3,25,000 रुपए, ट्रैक्टर देंगे 3,20,000 रुपए। 3,25 मांग है, 20 में देना देना है। 21 मॉडल है, किसी को कहीं ना मंदा मिलता हो कोई दिक्कत नहीं हो, मंदा ले लो दिखे। अच्छा दिखे मारे यहाँ नहीं मंदा, मारे यहाँ रेट में जय मारा जो रेट है वही है वो है भाई। चलो खैर जयमन ट्रैक्टर बिल्कुल। और कागज पत्तर की? हाँ कागज पत्तर रंग पेंट की सारी जिम्मेदारी होगी।
ना ना ठीक बात है, होनी भी चाहिए। और इधर है ये 17 मॉडल, लेकिन 17 और 21 में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन कलर है और ओरिजिनल पैंट की फुल गारंटी के साथ, इसमें भी नहीं छतरी है। तो यू क्या घंटे चल गया? यू घंटे चल रहा भाई, सात सा कुछ घंटे चल रहा, 90% ये 7 के टायर है ट्रैक्टर में। ये रे मार्का दिखाओ दिखाओ, देखिए तीनों ककड़ी पुरिया जेन्युइन साहब है। अच्छा तो मारो सेल्फ, गियर में से निकाल लियो, बिल्कुल साइलेंट मॉडल, दिल खुश कर दिया। ऐसे ट्रैक्टर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। बाकी भाई एक से एक हिसाब है, जहां ट्रैक्टर आपको ठीक लगे वहां से ले लीजिए। बाकी टीनू जो है अलग हिसाब का बंदा है। तो इसके कितने पैसे? इसके हैं भाई 2,70,000 रुपए, और देंगे 2,65,000। 2,65,000 रुपए। अच्छा तीनों के नंबर? तीनों के नंबर हरियाणा के हैं, कहीं राजस्थान के, कहीं पंजाब के, किसी के नंबर नहीं है। कृपया करके फार्म ट्रैक जोन डियर इन ट्रैक्टर के लिए फोन ना करें, महिंद्रा इन्हीं ट्रैक्टर के लिए फोन करें। बस एक चीज है, रेट ट्राई कर ला और जगह ट्रैक्टर की, और जी बा का फोन करे, फोन पर मोल बाना करे, आकर ट्रैक्टर देख के। 17 मॉडल के हिसाब का मिलेगा, नूनिया के पास 17 के हिसाब का मिलेगा, यू बी पी 21 के हिसाब का ही है, और 21 मॉडल है ही। 21 तो 21 है। तो इस पर ड्रॉल टोपलिंग है कुछ? इस पर टोपलिंग है, टोपलिंग है केवल। ये छतरी में टिक भाई भाई ने। अच्छा तो इसमें ये हत्थे लगे लगाया मैंने। हाँ ये हत्थे लगे लगाया। शौकीन आदमी का था किसी? 17 मॉडल 270, तो हिच वगैरह तो कुछ है इसका? है हिच, है। अच्छा हिच मिलेगा, मालिक ने दिया था इसका, हिच पर है मेरे, लेकिन देंगे देंगे। टीनू का जुगाड़ी साहब अलग है, टीनू का तो नाम ही काफी है। चलो खैर भाई साहब। हाँ जी, हमारा एक लोकदल का नेता है। अच्छा अभी समझ में? रामदाव जी, यूपी लोकदल का परिषद जो, अपना एक छोटा सा परिचय दे दो आप। नाम बताओ। तेजपाल। तेजपाल कहाँ से? ककड़ीपुर। ककड़ीपुर जिला बागपत। जिला बागपत। तो लोकदल के कार्यकर्ता हो? बहुत बेहतरीन, बहुत पुराना, बहुत पुराने। अच्छा। आज तक इसमें जो है कोई पार्टी इधर उधर नहीं हुई, सबकी इधर उधर होगी, हमारी भी इधर उधर होगी। हाँ। लेकिन इनकी जहाँ है जहाँ वह स्थायी है। नहीं, कोई कैंडिडेट आओ, चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत तक जुड़े हुए हैं। अच्छा। और काफी फेमस आदमी है, हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हमें बहुत बढ़िया बात है और होना भी चाहिए। नहीं, क्योंकि किसानों की जो आवाज उठाई है, मतलब चौधरी चरण सिंह ने उठाई थी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने, इस आदमी ने हम सब बहुत यहाँ गांव में बहुत लोकदल से बहुत आदमी जोड़े हैं, और काफी को बात लोकदल की तरफ से, लोकदल की तरफ से चल रहा है संघर्ष। चलो खैर, बहुत बढ़िया, बहुत इतना वर्कर, इतना कर्मठ, बहुत कम आदमी, कर्मठ जुझारू इंसान मिलने मुश्किल है, और आजकल तो मिलते ही नहीं। हाँ। मिलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलते आजकल तो। जिसका थोड़ा सा मतलब पाड़ा थोड़ा सा हैवी लगे उसी की तरफ हो जाए आदमी, इंटेक्टू झुकाओ जो है उसी की तरफ हो जाए ऑटोमेटिकली। इंटेक्टू के साथ साथ अपनी जो है पार्टी और अपना नेता बिल्कुल ध्यान करें, सभी किसान नेता है। तो हकीकत है यार, बीजेपी ने तो एक किसान खत्म कर दिया, और आगे और खत्म हो जाएगा, मध्यम वर्ग को खत्म कर देंगे, मध्यम वर्ग को। अपनी अपनी आवाज उठानी चाहिए, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचे, चाहे वो कोई सी भी है। मैं बताऊं भाई किसानों की बात। हाँ। किसानों की बात यह है, बागपत मिल, बागपत के हम रहने वाले, अर्दी के शामली भी है, मुजफ्फरनगर भी है, सहारनपुर भी है, ये रहे बागपत के 3 मील। आज भी चालू नहीं, आज तारीख बताओ कितनी है? आज तारीख होगी 6 होगी। 6 होगी। अगली 12 तारीख तक पहले कोई वादा नहीं है मील चलने का, 15 तारीख को मील चलेगा, 15 नवम्बर को, और उनकी जाली चर चर पर्ची शुरू की। कहा तो के करे हम, किसके दूर जा अपने। योगी जी ने कहा था कि मील चलने से पहले कपाई का हिसाब करवा देंगे, गन्ने का पेमेंट, और दिसंबर बताया रहा, लक्ष्मी नारायण आ रहा था, कहला दिसंबर तक होगा जाएगा मील, अब चल रही तो जी, दिसंबर तक होगा। आपकी आवाज हम जो है आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और हम भी मतलब गवर्नमेंट से करेंगे कि भाई किसानों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, और भाई मतलब ऐसा है फसलों का, हमें तो दाम टाइम पे मिल जाओ, टाइम पे मिल घाट मिल जाओ, लेकिन टाइम पे मिल जाओ, टाइम पे मिलना चाहिए। जब ही जो है देखो, देश का भला तो होगा, जब ही देश का भला किसानों के माध्यम से होगा, बिना जमीन के देश में भी कुछ नहीं कर सकता। एक बीघे में 30,000 का एक होगा, 15,000 की उसमें दवा गिर गई,
तो फायदा किया है भाई। गहलोत साहब, किसी किसान नेता ने कहा कि एक आंख ट्रैक्टर पर रख लो तो दूसरी आंख दिल्ली के और यूपी के राजनीति में भी रख। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर जरूरी नहीं, ट्रैक्टर ले लिए हैं और अपने किसान गति कर ली, लेकिन अपने फसल के वाजिब दाम हैं और अपनी आवाज नेताओं तक पहुंचानी, केंद्र सरकार और जो है स्टेट सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार कम से कम इतना तो ध्यान कर ले जो है राज्य सरकार भी, अब हमारे मील ये चालू करवा दे ताकि हमारी फसल अगली गेहूं फसल जो है टाइम से निकल जाए, निकल जाए अगली बुआई और अगली बुआई हो जाए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही किसान चलाए। अगर फर्ज करो भाई अगर यो ही गन्ना फिर 15 दिन लेट हो गया ठीक, तो वे तो गेहूं बोने भी फिर मतलब महीना लग जाए, फिर महीना भी लग जाए हाँ, बाद में मई जून में जाएगा फिर वो हमें भी लॉस पड़े हाँ, उसका उसका रिकॉर्ड भी कम लिख रहा है, रिकॉर्ड भी कम रहे हैं हाँ, तो उसमें मतलब अगर एक बार चीज लेट होगी कोई भी फसल अगर हाँ, लेट होगी ना हाँ, तो उसका लेट ही होता चला जाए, लेट ही होता चला हाँ, चाहे उसका पेमेंट हो चाहे उसकी बुआई जुताई हो चाहे उसकी निराई गुड़ाई हो। कुछ साहब ट्रैक्टर के साथ साथ हम किसान की बात भी करें, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, यू बच्चा भी अपना ही है टीनू जी, यू भी एक किसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल है, किसान पहले हैं, ट्रैक्टर के व्यापारी व्यापारी तो बाद की बात है, ये तो पार्ट टाइम जॉब हो गया अपना भाई, पार्ट टाइम अपना बिजनेस कर लिया, ये बिजनेस बस रोजगार तो खत्म हो गया हमारे सभी किसानों भाई, राम राम जी राम राम राम, जिन्हें अच्छा लगे नौकरी तो हमारी खत्म हो गई हाँ जी, वे मिलिट्री का खत्म करके अग्निवीर नाम टेक दिया जी, मिलिट्री है तो अग्निवीर क्यों टेक रही है नाम इसका, चार साल की क्यों कर रही नहीं, इस पर खैर गौर करिए आगे हाँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कहूंगा कि भाई अपना इस वीडियो को शेयर करो, और जिससे या मतलब एक दो उसमें ना हो गए कई जिलों में जाकर इस बात का प्रचार हो, नहीं एक फार्म के 500 रुपए है भरने के, कई कई लाख लड़के फार्म भर, और वे कैंसिल हो जाए तो रुपया तो सारा पी गए, हाल कुछ है नहीं, हाल देखो हम ही सुधारेंगे, उसमें थोड़ा सा देखो टाइम देना पड़ेगा, जो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो था हाँ, मतलब ऐसे कि भाई मतलब भेड़ चालती सभी लोग दल के है ना। और इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को भाई विराम दूंगा, और ताऊ जी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है सभी किसान भाइयों को, इस पर अमल करें, और अपना बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम जी, राम राम।